तो सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन दोस्तों YouTube की तरफ से कुछ नए अपडेट आ गया है और आपको भी इस अपडेट के बारे में पता चल गया होगा, आपने भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर वीडियो देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो अपडेट हमारे लिए काम का है, यानी कि हम एक न्यू क्रिएटर हैं तो हमारे लिए कौन कौन से अपडेट आया है और इस अपडेट से हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप भी एक मेरे से न्यू क्रिएटर हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना दोस्तों, अगर क्योंकि आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि आखिर आपके लिए कौन सा अपडेट बेस्ट रहेगा और आपको क्या प्रॉफिट होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं और मान लीजिए कि आपने किसी बड़े क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाया है और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो बड़ा क्रिएटर देखे, यानी कि जिसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो मैं आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो उसके पास पहुंचे और वो मेरा वीडियो देखे, लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि आप एक छोटे क्रिएटर हैं तो आपकी वीडियो बड़े क्रिएटर के पास नहीं पहुँचती है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब की तरफ से एक फीचर आता है कि यूट्यूब मेंशन को लेकर, यानी कि उसके नेम को अगर डाल करके यूट्यूब अपने टाइटल में मेंशन कर देते हैं तो आपकी जो वीडियो है ना बड़े क्रिएटर के पास पहुँच जाती है और आपके मतलब कि वीडियो को बड़ा क्रिएटर देख लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, अगर आपने किसी को मेंशन करना है, आपको अगर आप एक छोटे क्रिएटर हैं और आपको किसी को मेंशन करना है तो मैक्सिमम आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप मेंशन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यूट्यूब की तरफ से एक नया अपडेट आ गया है ना, अब आप मतलब कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं और आपके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर्स है ना तो भी आप अपने टाइटल में किसी बड़े क्रिएटर को मेंशन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये यूट्यूब की तरफ से पहला अपडेट है और ये अपडेट काफ़ी अच्छा अपडेट है क्योंकि अगर आप ही एक न्यू क्रिएटर हैं तो अब आप ही किसी बड़े क्रिएटर को मेंशन कर सकते हैं, अपने वीडियो को बड़े क्रिएटर को दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का अपडेट है दोस्तों और ये पर्सनली मुझे अपडेट की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आई होप कि आपको भी ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये है फर्स्ट अपडेट। अब बात करते हैं सेकंड अपडेट। तो सेकंड अपडेट आया है ये यूट्यूब लाइव को लेकर के। अब दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले यूट्यूब की तरफ से मतलब कुछ लोगों को अपडेट मिल गया था कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पर लाइव वीडियो करता था तो उसके प्रोफाइल पर ही मतलब दिख जाता था कि ये बंदा लाइव वीडियो कर रहा है, यानी कि यूट्यूब पर अभी लाइव है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में अभी के टाइम पर मतलब किसी के चैनल पर ये अपडेट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है कि देखिए यूट्यूब पर जब भी कोई नया अपडेट आता है तो यूट्यूब पहले उसका एक्सपेरिमेंट करता है कि आखिर ये अपडेट कैसा रहेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, कुछ दिन पहले यूट्यूब ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ लोगों को दिया था कि आखिर ये अपडेट कैसा रहेगा। तो ये अपडेट आई होप कि यूट्यूब को पसंद आया होगा और फाइनली यूट्यूब की तरफ से न्यू अपडेट आ गया है कि ये जो अपडेट है ना अब यूट्यूब पर सभी को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था दूसरा अपडेट। अब देखिए मैं बता दूं तो दोस्तों ये अभी अपडेट मतलब दोनों में से कोई भी अपडेट अभी YouTube पर मतलब किसी को मिला नहीं है, लेकिन दोस्तों आने वाला टाइम है कुछ दिनों में, यानी कि 25 से 30 अप्रैल तक सभी को मतलब सभी क्रिएटर को ये अपडेट मिल जाएगा, दोनों को दोनों अपडेट। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आपको इन दोनों अपडेट में से कौन सा अपडेट अच्छा लगा और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।